शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आज मौका देने के लिए कि हम लोग अपना सत्संग कर सकें। सो गुरुजी के साथ हमारी जर्नी 2016 में स्टार्ट हुई थी व्हेन लाइक माय मदर इन लॉ हिज मदर वेंट टू वन ऑफ द गुरुद्वारास टू लाइक किसी की प्रेयर मीट पर वो लोग गए थे। सो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। सो शी वॉज़ वेरी क्यूरियस कि एक गुरुद्वारे में एक्सेप्ट फॉर गुरु नानक जी या किसी और का स्वरूप कैसे हो सकता है। सो शी वॉज़ वेरी क्यूरियस, तो उन्होंने सबसे पूछा कि ये कौन है। तो उनको वहाँ से पता लगा कि छतरपुर में एक गुरुजी हैं, तो बहुत लाइक मान्यता है उनकी। तो लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी जस्ट आस्क्ड एवरीवन एंड लाइक आफ्टर जस्ट अ वीक दे रीच टू छतरपुर मंदिर। सो जब वो वहाँ पे पहुँचे दे डिड नॉट नो अबाउट द टाइमिंग्स कि वहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं। तो दे रीच लाइक इन मॉर्निंग 11 o'clock, बट वहाँ की टाइमिंग्स होती है 5 o'clock। तो नाउ दे आर लाइक कि हमें जाने दो अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली सबको ये लगता है कि शिव मंदिर है कि हमें जाने क्यों नहीं दे रहे। तो वहाँ पे एज ऑलवेज कि वो नहीं जाने देते जो सेवादार होते हैं। तो देवर लाइक ओके, बहुत ऐसे हो गए कि यार क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, तो ठीक है चलते हैं वापस। बिकॉज हमारे घर से वी स्टे इन पानीपत हरियाणा, सो वहाँ से हमारे घर छतरपुर का रास्ता है 3 hours। सो दे आर लाइक कि अब वापस जाने का तो फ़ायदा नहीं है, तो चलो यहीं आसपास कहीं घूम लेते हैं, देन शाम को वापस आ जाएंगे। तो वहाँ से निकलने लगे, जैसे ही वहाँ से पार्किंग से बाहर कार निकाली अपनी, एक सेवादार अंकल भागते भागते पीछे आए कि अंकल रुको, आंटी रुको, तो अगर चलो आपके पास टाइम है तो आप सेवा कर लो अंदर। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, वाई नॉट। सो विदाउट नोइंग एनी थिंग दे सेड येस टू सेवा। तो उनको लाइक मेरे फादर इन लॉ को फर्स्ट टाइम ये बाथरूम साफ करने क्लीनिंग की सेवा मिल गई एंड मेरी मदर इन लॉ को किचन की सेवा मिल गई। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम लोग गुरुजी से जुड़े एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली वी नेवर लुक बैक। देन 2016 लाइक फ्रॉम 2014 टिल 2016 आई वाज वर्किंग इन हैदराबाद एंड ही ऑल्सो लाइक वॉज देयर फॉर लाइक 6-7 months। So in 2016 mid, he came back to Delhi and he started working like there. And then around like September or October, I came back to Delhi because obviously it was very difficult, you know, to every time travel. We used to like travel within 6-7 months from Hyderabad to Delhi to meet our families. So main wapas aa gayi 2016 like October around. एंड देन ही टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं छतरपुर में, तो तूने कई बार नोट किया होगा कि दिल्ली में हम जाते हैं ना, हर एक कार के पीछे ना गुरु जी लिखा होता है। तो आई वॉज लाइक हाँ, मतलब लिखा होता है, सो वॉट। तो ही वॉज लाइक कि ठीक है, हमें ना जाना चाहिए, मम्मा पापा होके आए हैं, तो लेट अस ऑल्सो गो वंस। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब मौका मिलेगा चलेंगे। देन मैं रहती थी दिल्ली में मालवीय नगर में, सो ही जस्ट केम वन डे टू मीट मी ऐसे ही। Then, we were together since school. So, like since 2007, we were dating each other. So we were like, I was like, ठीक है चलते हैं. Then he told me, okay, चलो छतरपुर होकर आते हैं. तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं छतरपुर. तो हम होके आए and then उसके बाद एक बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके. It was around October में वापस आई, around September, November. We went to छतरपुर एंड देन लाइक आफ्टर दैट लाइक एवरी थिंग वॉज लाइक बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके, इतना पॉजिटिव एनवायरमेंट, इतना डिसिप्लिन, बिकॉज किसी भी मंदिर में या किसी भी गुरुद्वारे में इतना डिसिप्लिन कभी नहीं देखा था, तो बहुत अच्छा लगा। एंड देन इन लाइक 2016 लाइक बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग विद इन्फोसिस, सो बहुत बड़ी कंपनी है। एंड देन जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तो आई वॉज वर्किंग इन अ बिट लाइक स्मॉल कंपनी, सो आई वॉज नॉट बिट सेटिस्फाइड। सो आफ्टर दैट विदिन एन ईयर आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब कि मुझे थोड़ा सा बेटर मिल जाए। तो अभी एक बार तो मैंने जॉब चेंज कर ली कि चलो ठीक है मुझे, क्योंकि फैमिली के पास आना था। देन आफ्टर दैट मैंने इस जॉब सर्च करी ठीक है, लाइक गुरु जी को के पास जाने के एक साल बाद मुझे एक MNC में जॉब मिल गई। एंड देन उसके बाद लाइक थिंग्स वेंट वेरी वेल। एंड देन इन लाइक 2018 itself, मेरे ब्रदर का एडमिशन होना था।
सो उसको भी ये था कि मार्क्स वर लाइक ओके नॉट टू बैड नॉट टू गुड. सो ही वॉज लाइक ओके अब पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा. तो उसके एडमिशन से जस्ट पहले बिकॉज जहाँ पे वो एडमिशन लेने गया वहाँ पे देर वॉज इंटरव्यू हैपनिंग. तो एडमिशन से पहले उसका इंटरव्यू होना था तो हम एडमिशन से पहले गुरुजी के मंदिर होकर आए. वो उस टाइम बंद था तो हम बाहर से माथा टेक कर आए. तो उसके बाद फिर हम उसके यूनिवर्सिटी गए. एवरीथिंग वेंट वेल वेल एंड इट जस्ट टुक लाइक टू आवर्स. ही गॉट द एडमिशन एंड देन जस्ट आफ्टर हिज एडमिशन मी हिम माई ब्रदर एंड माई मदर. माई फादर वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम. सो वी वेंट टू स्ट्रेट अवे टू गुरुजीज मंदिर. वहाँ पे हमने माथा टेका एंड देन लाइक माय मॉम आल्सो फेल्ट वेरी वेल. शी वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. देन उनको भी थोड़ा लगा कि नहीं यार कि कुछ तो पॉजिटिविटी है यहाँ पर. एंड देन उसके बाद हम लोगों ने जाना शुरू किया. कुछ टाइम बाद मेरे डैड आल्सो लाइक माय डैड आल्सो वेंट देयर. तो उनको भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके कि बहुत पॉजिटिविटी ऑब्वियसली आती है वहाँ पर जाके कोई भी जाएगा तो. देन इन 2020 so my father was looking to change a business like my family is all like business background. So in Malvanagar like my mother and father were like in Delhi with me like in my flat where I used to live. Me and my brother used to live together. So they came there and we were just roaming like aise hi ki. तो मैंने पापा देयर इज वन ब्रांड कॉल्ड मिनीसो. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. सो दैट्स अ लाइक इंटरनेशनल ब्रांड. सो मैंने ऐसे ही बोल दिया पापा को पापा कि यार कुछ चांस हो ना तो ये बिकॉज आई लव दैट ब्रांड लाइक आई एम जस्ट लाइक मिनीसो फ्रीक आई वुड से. सो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि पापा ये ओपन कर लेना अगर कभी कुछ हो ना मतलब कभी चांस लगे तो गुरुजी की ग्रेस होगी तो ओपन कर लेना इसको. Within like one year, 2021 January, we opened that store. And that was the first store in our city, like in Panipat. So Panipat is very small city, so there are not like very high brands or and so that was the first international brand that came to the city. So we were like, okay, so ye to sab Guruji ki meher hai. Then after that, jab hamara visa aana tha, like not visa as in dalna tha usme draw mein, so मेरी सिस्टर इन लॉ ने लाइक बिफोर आर मैरिज तो उन्होंने लाइक सडनली मुझे कॉल किया कि यार तेरा ना वो करवा देते हैं ड्रॉ में नेम डलवा देते हैं लेट्स सी अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड. तो उन्होंने ड्रॉ में नेम डलवाया. थर्सडे को रिजल्ट आया 1 अप्रैल को. इट वॉज थर्सडे माई नेम केम इन टू दी ड्रॉ. सो उसके बाद इंटरव्यू हुआ अक्टूबर में. मेरा 29 अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ विच वॉज थर्सडे. देन मैं गई लाइक आई टुक होल अ लॉट ऑफ बंडल ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल बिकॉज सब लोग बहुत डराते थे कि ऐसा इंटरव्यू होता है वैसा होता है दे आर सो मेनी क्वेश्चन दिस दैट सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी थिंग. सो आई वॉज लाइक ओके ठीक है मतलब गुरु जी अपने आप करेंगे. सो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो आई वॉज वेयरिंग वन ब्रेसलेट गुरु जी का जिसपे स्वरूप था. तो मैं अंदर बैठी हूँ वहाँ पे जाके. सो आई एम लाइक कि ठीक है अब सामने मेरा नंबर आने वाला है. सडनली आई सी गुरु जी का स्वरूप उसमें से निकल के गिर गया है. सो आई वाज लाइक यार ये तो मतलब गलत हो गया कुछ तो मतलब गुरुजी नाराज़ हो गए हैं मुझसे. अब आई डोंट नो होगा या नहीं होगा. तो आई वाज लाइक ठीक है मैं गई फाइनली लाइक इट टुक जस्ट लाइक 50 सेकेंड्स. शी टुक माई इंटरव्यू शी टुक माई पासपोर्ट एंड शी वाज लाइक ओके यू आर गुड टू गो. आई एम लाइक चलो गुरुजी की मेहर हो गई. मैं बाहर आई मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स खोले. डॉक्यूमेंट्स के अंदर गुरुजी का स्वरूप था. देन ओके वेंट वेल एवरीथिंग. आई केम हियर देन in January I came this 2022 and like I came here. I was having project, everything was fine. Like my project was to start on 17th of January and then they said like on 17th on the day the project had to start, they said no we cannot start the project and we don't have that much budget. So I was like shattered, like what will I do in this country like without a project without any earning. So like gracefully my sister-in-law also used to stay live here. She has her job here and then my father-in-law was also there here only. He just went like last month. So okay, so I was like giving interviews again and again and again. Then in March like after like 3 months I got one like project and uske saath I got two more projects, the same project which got laid off in January and with that one more project. So in March then I was having 3 projects. So I was like okay Guruji aapne yahi dena tha. So now currently also I'm doing like 2 projects together.
सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक गुरु जी की मेहर है मेरे ऊपर कि मेरे को मुझे इतना बख्श रहे हैं. देन इनका इंटरव्यू आना था, देन आई वॉज लाइक कि डेट्स नहीं मिल रही हैं बिल्कुल भी इंटरव्यू की, अक्टूबर तक नवंबर तक देर आर नो डेट्स एट ऑल. तो जब मैं डेट्स देख रही थी आई यूज टू आई डेंट लाइक स्लीप फॉर सो मेनी डेज बिकॉज डेट्स लाइक सिलेक्ट करनी थी बिकॉज होती नहीं थी डेट्स. तो इनकी डेट पहले आई जून की, देन आई वॉज लाइक कि गुरुजी जून तो बहुत दूर है, प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी, बिकॉज ऑब्वियसली अकेले यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट. सो सेप्टेम्बर मेरी शादी हुई सेप्टेम्बर 2021 एंड लाइक विद इन 3 months आई केम हियर. आई डेंट गेट टाइम टू स्पेंड विद हिम एंड लाइक आफ्टर मैरिज. सो मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत देर है, कुछ तो करो आप. सो सडनली मैं घर पे चाय बना रही थी ऑन अप्रैल 21st. तो मैंने सडनली शाम को 6 बजे वो ओपन करी साइट एंड आई गॉट हिज इंटरव्यू डेट फॉर 24th अप्रैल एंड विच वॉज थर्सडे अगेन. लाइक आई गेस 28th वॉज लाइक 24th वॉज बायोमेट्रिक एंड देन 28th वॉज इंटरव्यू एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि अगेन लाइक जून में जो इंटरव्यू था दैट वॉज नॉट ऑन थर्सडे. देन गुरुजी ने अप्रैल में करवाया, दैट वॉज अगेन थर्सडे. Again, he went with such a big bundle of like everything, our wedding album, this, that, like he just kept like everything on the table on the day of his interview. And then the counter number was again 7. So he went there and that interview was like bald and he was wearing the same shirt which Guruji used to wear, like red check shirt. He was like, he said like he was just looking like Guruji. And he just said like, okay, he just took his passport and like my I-797, which is like obviously required. He did not ask for any other document, any other thing. He just asked, okay, it was a love marriage or arranged marriage? So he said, okay, it was love marriage. When did you meet her? Where did you meet her? So he said, we met in school. So like after just like 5 seconds, oh, you met her on Tinder. So he said, no, we met in school. So he was like, we were like, we never saw an interview which is going like this. Like, which consulate asked, like, did you meet her on Tinder? So this is like very, you know, that question, everything will think, like, how can like such a person ask this kind of question? So it just took a minute and he was back. I was like, I was here only, we stay at Hannah Road. So I was listening to the mantra jap, and the moment the mantra jap ended, he called me that Megha, I'm flying. Like my name is Megha at home. So okay, the visa got approved, and I'm coming to you now. So as and when the mantra jap ended, he just called me. Okay, that okay, it is done. So yeah, so all this and like many small satsang more are there. So like when I came here, when I started coming to this mandir, he was not there at that time. At that time, like very, I guess, second or third day, there was some that meetha achar was there in the langar. And then maine apne father-in-law used to stay here with me. सो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला, मैंने कहा यार पापा वो कल वाला अचार कितना अच्छा था ना. नेक्स्ट डे आई केम टू मंदिर, रोहित अंकल ने मुझे पूरा डब्बा वो अचार का लाके दे दिया एंड आई वाज लाइक व्हाट, लाइक ऐसा कैसे हो सकता है. एंड द सेम डे मुझे संजीव अंकल ने एक ब्रेसलेट दे दिया एज लाइक गुरु जी की ब्लेसिंग. सो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब गुरु जी ने अपनी मेहर तो कर दी है मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, अब सब कुछ धीरे धीरे अपने आप होता जाएगा. And now, like, we are here, so और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, but then due to time constraint, I cannot tell everything. So बस यही है कि गुरु जी के ऊपर बस surrender कर दो, everything will go and fall into place अपने आप ही. And yes, that's it. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय.